नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव है। इसको लेकर जहां एक ओर कांग्रेस अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने ग्वालियर चंबल में चुनाव को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। हरीश सिंह हिंडोलिया को अम्बाट की जनता विधायक प्रत्याशी के रूप में देखना पसंद कर रही है। तभी तो मुरैना विधानसभा 8 अम्बाट इन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, इसके लिए जाटव समाज के अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को पत्र लिखकर इन्हें टिकट देने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि केवल जाटव समाज के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि सेवा दल के अध्यक्ष सुधीर मावई ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी को पत्र लिखकर उन्होंने टिकट देने की मांग की है। सुधीर मावई ने अपने पत्र में लिखा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर अम्बाट विधानसभा से हरीश हिंडोलिया को टिकट दिया गया तो संपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग का समर्थन विधानसभा में दलितों का वोट कांग्रेस को ही प्राप्त होगा। मुलाकात हो रही है, क्या कुछ आश्वासन दिया टिकट को लेकर आप? देखिए, माननीय हमारे वरिष्ठ नेतृत्व हैं, मैं उनको दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। एक अच्छे कनम है, अच्छे महान व्यक्ति हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश की कनम है, हमारे खासकर युवाओं की, माता और बहनों की, किसानों की, और कना में व्यापारियों की, और सबसे ज़्यादा कना में अच्छा कार्य उन्होंने अभी जाते जाते किया था। हमारे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के हित के लिए कार्य किया था, वो भी कना में आज जो कना छल कपट करके जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, वो सरकार जिसने कना में जा सबसे पहले उन कर्मचारियों ने, जिन कर्मचारियों ने कना में एक सुनहरा अवसर देखा था अपना परिवार को पालने के लिए, समय समय पर उनका वेतन भत्ता और उनके डीए और 5% जो कांग्रेस ने बढ़ाया वो इस बीजेपी सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है। और हमारे आज कर्मचारी उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऐसे शासन में, ऐसे जंगल राज में वो नौकरी करना भी असुविधा समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे माननीय कमलनाथ जी से सभी कन्ना में पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की एक निगाह टिकी है कि पुनः सरकार आवे और जिससे हम लोगों का एक स्वतंत्र जीवन और आगे हम कन्ना में एक उन्नति प्रदेश को विकास की धारा पर जोड़ सकें, ऐसे हमारे कर्मचारियों ने भी कन्ना अपना वक्तव्य दिए हैं। और मैं माननीय कमलनाथ जी को पुनः धन्यवाद करता हूँ, उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ कि उनकी इतनी एक अच्छी विचारधारा है, उनको सबको साथ सबका विकास की उनकी जो विचारधारा है, मैं उनको पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ कहता हूँ कि जब कन्ना में अम्बा विधानसभा के अंदर, दिमनी विधानसभा के अंदर, मुरैना विधानसभा के अंदर जो हमारी पांचों की पांचों उपचुनाव जो विधानसभा का होगा, हम माननीय कन्ना कमलनाथ जी को विश्वास भरोसे के साथ कहते हैं कि मैं अपनी सीट नहीं, मैं पूरे मुरैना जिला के अपने कन्ना में समाज को लेकर पूर्ण रूप से कन्ना में उत्साहित हूँ और पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्प के साथ हमारा समाज, पूरा जिला हमारे साथ खड़ा हुआ है। हमारे सम्मानित साथियों ने एक कन्ना बिना उठाया है कि हम पूरे जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं, हम प्रचंड जीत दिलाएंगे, ऐसी उन्होंने कहा है। हमारे सम्मानित साथियों ने भीड़ उठाकर काम आगे किया है। और मैं आपको विश्वास भरोसे का एक बात और कहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की ऊंची मान सकता है वो उजागर हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में जो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने हमारा प्रत्याशी आएगा, हम उसकी कहना है विधानसभा के चौकट में हम उसको जाने के लिए भी रोकेंगे और साथ साथ में हम अगर वो वहाँ पर पहुँचेगा लेकिन उसकी जमानत जब्त करके हम उसको पहुँचाएंगे, जिससे आने वाले भविष्य में जो हमारा लोकतंत्र का, जो कना में लोकतंत्र की जो उन्होंने हत्या की है, लोकतंत्र का अपमान किया है, जो हमारे जनता जनार्दन का जो कना उन्होंने स्वाभिमान को तोड़ा है, वो स्वाभिमान कना में उन्हें पुनः वापस लाने के लिए हमारे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ और पुनः सरकार बनाएंगे, ऐसे विश्वास भरोसे के साथ मैं आपको कहता हूँ। कल आपने एक समर्थन पत्र दिया है, क्या कुछ मामला है बताएं? जिसमें मुरैना जिले की 38 सीट अम्बा 08 से श्री हरीश हिंडोलिया जी को कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्ष कराने हेतु अनुरोध किया है। आदरणीय कमलनाथ जी को, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी पूर्व मंत्री को संबोधित पत्र में यह अनुरोध किया है कि श्री हरीश हिंडोलिया जी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया जाए, ये हमारा अनुरोध है। अगर इन्हें प्रत्याशी बनाया जाए तो प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सीट सफलता के पूर्व
सफल हो, इसमें विशेषकर ये कांग्रेस के सक्रिय निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और इन्होंने हमेशा धरना प्रदर्शन जेल भरो आंदोलन में समय समय पर भाग लिया है। ये कांग्रेस के एक ऊर्जावान निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अनुशासन में रहकर हमेशा कांग्रेस की बागडोर संभाल देते हैं। ये लोगों की मजबूरी है, बीएसपी वालों की भी, आम जनता की। अगर संविधान पर जाना है तो कांग्रेस को हो वोट देना ही पड़ेगा, ऐसी लोगों की और जनता की आवाज़ आ रही है। इसी वजह से हम लोग सारे क्षेत्र में गए, जिस भंडोलिया जी के साथ भ्रमण भी किया मैंने, तो मैंने समर्थन पाया और पता किया कि कांग्रेस पार्टी पांचों की पांचों सीटों मुरैना जिले की में जीत के बताएगी और सामने वालों की जमानत जब करके बताएगी। आप जनता से क्या अपील करेंगे अगर इंगोलिया जी को टिकट मिलती है तो? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर इनको टिकट मिलेगा तो इनके समर्थन में जे जनता की हर मांग हरेश इंदौरिया जी, हर मांग, हर इच्छा और हर काम पे उस पर सक्रियता से उतरेंगे, कामयाब होंगे, उतरेंगे भी, वो जनता की मांग पूरी करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।